हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज प्लेनेट इंडिया। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज प्लेनेट इंडिया पे। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूं, राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जो स्टेनोग्राफर का था फाइनल रिजल्ट, वो डिक्लेयर कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो आप सबसे पहले नॉलेज प्लेनेट इंडिया के साथ अपना रिजल्ट देखिए। आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट थी उसका कैटेगरी वाइज रिजल्ट डिक्लेयर किया है। साथ ही में हिंदी की कट ऑफ भी जारी की गई है सभी कैटेगरीज की। तो देखते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं, ये राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के द्वारा अभी हाल ही में नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आपका फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है स्टेनोग्राफर सेकंड ग्रेड इंग्लिश और हिंदी का। सो फ्रेंड्स, ये एग्जाम हुआ था आपकी 18 फरवरी को, और इसका पहले लिस्ट वो एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। अब फाइनल रिजल्ट वापस से आपका डिक्लेयर कर दिया है। सबसे पहले देखिए हिंदी स्टेनोग्राफर के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, जो जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं उन सभी की लिस्ट है। आप लोग अपना रोल नंबर देख लें, इस लिस्ट में कहीं है ओबीसी के कैंडिडेट्स और एसबीसी के कैंडिडेट्स की लिस्ट है, उसके बाद फिर एससी के कैंडिडेट्स हैं, फिर एसटी के हैं। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, और आपको कट ऑफ मार्क्स में भी बता देती हूँ, हिंदी का स्टेनोग्राफर के हैं जनरल कैटेगरी की मेल की गई है 143.96 और फीमेल की 145.82, एससी की 127.50 ये मेल की है और फीमेल की 122.81, एसटी कैटेगरी की मेल की 127.07 है। फ्रेंड्स, एसटी फीमेल्स का कट ऑफ जारी नहीं की गई है क्योंकि उनके फॉर्म नहीं होंगे। ओबीसी एसबीसी की देख लेते हैं 126.19 है और फीमेल की 128.51 है। इंग्लिश स्टेनोग्राफर के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट चार ही है, पहले भी जनरल से चार ही कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। फाइनली एक नोटिस है जो आप देख लें, इसमें लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, उनकी हिंदी में शॉर्ट एंड स्पीड थी 70 WPL और जो इंग्लिश की है उसकी 90 WPM थी। वही जिनकी स्पीड ये थी 70 और 90, उन्हीं को ही वही कैंडिडेट्स क्वालिफाई करे हैं इंग्लिश और हिंदी में जो स्पीड थी उसको। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेरिट हैज बीन प्रिपेयर्ड कंसीडर टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन शॉर्ट हैंड टेस्ट, स्पीड और कोएफिशिएंसी टेस्ट ऑन कंप्यूटर। तो आपकी तीनों टेस्ट में जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं उन्हीं के बेस पर मेरिट बनी है। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट एंड स्पीड ऑफ कैंडिडेट हैज बीन कैलकुलेटेड आफ्टर प्रोवाइडिंग मार्जिन ऑफ 50% मिस्टेक। तो फ्रेंड्स, आपकी जो एफिशिएंसी रही है, स्पीड रही है, जो शॉर्ट एंड टेस्ट में आपकी 50% जो मिस्टेक थी उसको अवॉइड करके उसके बाद आपकी मेरिट बनाई गई है। पीएच का एक भी कैंडिडेट नहीं था जिसने जो क्वालिफाई कर गया हो स्पीड को, और 20 मार्क्स उनके 20 मार्क्स ईच इन स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट ऑन कंप्यूटर। तो उनकी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे जो उनका लिमिटेड क्राइटेरिया था। और एसटीएसपी का भी कोई कैंडिडेट्स इस चीज को क्वालिफाई नहीं कर पाया है। फाइनली इंफॉर्मेशन है कि द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड इंक्वायरी बाई अपॉइंटिंग अथॉरिटी एज पर रूल 23(1) ऑफ राजस्थान सब यूनिटी काउंट मिनिस्टर एस्टेब्लिशमेंट रूल्स 1986 में। तो फ्रेंड, इसमें लिखा हुआ है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंक्वायरी बाय ऑपरेटिंग अपॉइंटिंग अथॉरिटी एज पर रूल राजस्थान सबॉर्डिनेटरी कोर्ट मिनिस्टर एस्टेब्लिशमेंट रूल ऑफ 1986। तो फ्रेंड्स, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसका इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द कैंडिडेट्स हु आर सेलेक्टेड इन दीज पोस्ट। सो गुड लक, गुड बाय। आज के लिए इतना ही। आप सभी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल नॉलेज प्लेनेट इंडिया से जुड़े रही है, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग नॉलेज प्लेनेट इंडिया। गुड लक, गुड बाय।